नहतौर लोकसभा नगीना क्षेत्र के नहतौर नगर की जिगा कॉलोनी में संविधान जागरूकता विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार रहे। मुख्य अतिथि का कार्यक्रम में पहुंचे पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा फूल मालाएं डालकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने कहा कि इस समय समाज की विचारधारा गलत होती जा रही है। इंसान को इंसान से नफरत हो रही है, उनके अंदर जहर खोला जा रहा है। हमारे समाज के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। हमारे समाज की शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। हमारे समाज को शिक्षा से दूर किया जा रहा है और सबको साथ मिलकर चलना है। हमें कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार नहीं था, ये अधिकार हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है। इसलिए अपने संविधान को बचाना है, हमें सबको मिलकर संविधान की लड़ाई लड़नी है। इस लड़ाई को हम वोट से लड़ेंगे, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वोट करना है। इस दौरान मोनू कुमार कश्यप, मनोज कुमार कश्यप, हर्षवर्धन सिंह, लाल सिंह, छत्रपाल सिंह, संजीव कुमार, प्रीतम कुमार, धीरज सिंह, दयाराम सिंह, प्रदीप कुमार, धर्मपाल सिंह, एडवोकेट शमशाद अहमद, हितेश मोहम्मद शहजाद, नेत्राम सिंह, पृथ्वी सिंह, प्रदीप कुमार, सतपाल सिंह, जयवीर सिंह, विनोद कुमार, मुन्ने सिंह, रवि कुमार, राम कुमार, सुनील कुमार, अजय कुमार, अरविंद कुमार, चेतराम सिंह, विपिन कुमार, टीकम सिंह, जितेंद्र कुमार, अजय कुमार, अमन कुमार, मदन सिंह, शिवम कुमार, राजकुमार सिंह, नेत्राम सिंह, कोमल सिंह, फारूक फौजी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन लाल सिंह बौद्ध ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता सिकंदर कश्यार सिंह ने की। बिजनौर से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। साथियों, उस कुदरत में इंसाफ करने के लिए धरती पर अगर किसी को भेजा है तो वो जस्साब होते हैं जो मुजरिम में और पीड़ित में और मुलजिम में फर्क देखते हैं। जब कोई मुलजिम कोर्ट में दाखिल होता है तो जस्साब की निगाह ये जान लेती है कि कौन झूठा मुलजिम है, कौन सच्चा मुलजिम है। पुलिस की है कि वो उसके एक फल खाने से उसकी साथ जलने के लिए तैयार है। तो बाबा साहब ने तो आप लोगों को जीवन दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से हमारे जज साहब इस संविधान की लड़ाई के लिए अपनी सर्विस को त्याग कर हजारों लाखों करोड़ों के जीवन में परिवर्तन कर सकता है। और आज की तारीख में 131 की कल बात हो रही थी, 131 सांसद शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से हैं। यह किसी सामान्य सीट से जीत के नहीं आए, ये एक संवैधानिक व्यवस्था से आए हैं। तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती थी, जैसे कि अगर नगीना की सीट सुरक्षित ना, राजा के रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन 1950 के बाद मतपेटियों से पैदा होने लगा, क्योंकि जो शासन सत्ता की जो नीति होती है वो सभी लोगों को प्रभावित करती है। और 74 सालों में आपने देखा होगा कि कोई उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि बहुत गरीब गरीब से लोग भी इस मुल्क में हुक्मरान बने, बहुत गरीब गरीब लोग। कोई किसान प्रधानमंत्री थे क्या, चौधरी चरण सिंह साहब, बहन जी को देखिए, पोस्ट मास्टर की बिटिया थी, आदरणीय मुलायम सिंह साहब को देखिए। एक व्यवस्था की उपज होती है जिसमें समानता नहीं होती, स्वतंत्रता नहीं होती, न्याय नहीं होता, वही व्यवस्था गुलाम होती है। और कमोबेश भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जिसको शिक्षित होने से रोका गया, न्याय से वंचित रखा गया, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं दिया गया और शास्त्र पढ़ने नहीं दिया गया। और कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर इंसान से ये हक छीन लिए जाएं
तो सिवाय गुलामी के कुछ बचेगी ही नहीं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को एक भारत में क्रांति हुई। दुनिया की सभी क्रांतियां ज्यादातर और प्रतिक्रांति क्रांति का विरोध है। जो भाई ने कहा, क्या नाम था आपका? शिक्षा की व्यवस्था, स्वतंत्रता का अधिकार और न्याय। अगर जब ये समाजों में ये जो मौलिक सिद्धांत हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो गुलामी तो अपने आप रहेगी। स्वतंत्र हम आप कितना है शर्मा जी, पत्रकार भाई हैं हमारे यहाँ पे, स्वतंत्र कितना है हम लोग, ये सभी लोग महसूस कर रहे होंगे। शिक्षा की जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, इस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है, इस तरीके की नीति बनाई जा रही है कि गरीब का लड़का मजदूर बने और वो भी बेहतरीन मजदूर, और अमीर का लड़का साहब बहादुर की तैयारी कर रहा है, ऐसी शिक्षा नीति बनते जा रही है। इतनी बड़ी खाई जो बनाई जा रही है, यह एक सोची समझी साजिश के तहत बनाई जा रही है। जो लोग संविधान के मौलिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते, जिनको संविधान से नफरत है, संविधान का विरोध करते हैं, न्याय पसंद लोग नहीं हैं, अत्याचारी लोग हैं, वही लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि संविधान का फल जो फल है भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने चखा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। हम लोग सभी लोग सड़कों पे घूमते होंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देख रहे हो आप। तो आप ये सोचो कि 2024 में अगर बेटी बचाने की जरूरत पड़ने वाली नारे लग रहे हैं और बेटी पढ़ाने के लिए नारे लग रहे हैं, तो ये बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल दे रहे थे तो उनका विरोध भी महिलाओं ने किया, जैसे कि सर सैयद अहमद खान का भी विरोध किया गया, उसी तरीके से विरोध किया गया, यही विरोध फुले साहब का भी किया गया, माता रमाबाई का भी किया गया और माता फातिमा शेख का भी किया गया। ये विरोध क्रांति के विरोध में प्रतिक्रांति होती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खूबसूरती है, ब्यूटी है कि राजा